हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है द ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो न्यू 2024 N8 मॉडल। आप ये देख रहे हैं, वैसे तो इस गाड़ी की कीमत 9,90,000 रुपये से एक शोरूम कीमत स्टार्ट हो जाती है और टॉप मॉडल की कीमत 12,15,000 रुपये तक जाती है, लेकिन इस N8 मॉडल की जो कीमत है वो आपको मिलती है 10,50,000 रुपये एक शोरूम। 1493 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है, न्यू डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू फिलॉसफी है। पुरानी जो बोलेरो थी उससे ज़्यादा इसमें स्पेस है और उससे ज़्यादा राइड अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि आप इसको कहीं भी पहाड़ वगैरह पर ले जाएंगे तो BHP वगैरह अच्छी है, पावर अच्छी है, इसी वजह से ये हिली एंड माउंटेड एरियाज़ पर इजीली चढ़ जाती है। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड की भी गई है गाड़ी, जो माउंटेड एरियाज़ पर टेस्ट भी की गई है। लग्जरीपन में भी ये गाड़ी और आगे ही बनाई गई है उससे इस गाड़ी में ज़रा सी भी कम नहीं है, कोई भी खूबी कम नहीं है, और उससे अपग्रेड ही की गई है। बस जो स्टांस है वो पुरानी बोलेरो का बहुत से लोगों को पसंद आता है और कई लोगों को ये नई वाली बोलेरो ज़्यादा पसंद आती है। मेरे ख्याल से जो नई वाली बोलेरो है इसमें आपको ज़्यादा लग्जरियस सीट्स मिल रही हैं, ज़्यादा अच्छा पावरफुल इंजन मिल रहा है और अच्छी स्पेस मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आपको इसी के साथ जाना चाहिए। 17.29 KMPL का माइलेज क्लेम करती है महिंद्रा इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए देखते हैं 10,50,000 रुपये महिंद्रा के इस बोलेरो N8 मॉडल के लिए सही रहेंगे या नहीं, आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो डिज़ाइन तो अमेजिंग बनाई है और इस ब्लैक कलर में ब्लैक ब्यूटी लग रही है, बिल्कुल ही बहुत ही शानदार। इस ब्लैक कलर को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं और वाइट कलर भी इसका काफ़ी शानदार लगता है। तो इसमें आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, ऊपर क्रोम की डिज़ाइन दी है, नीचे फॉग लैम्प इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं इस वाले मॉडल में। तो ग्रिल आप देख सकते हैं सेटिन सिल्वर फिनिश और ये महिंद्रा का न्यू लोगो ये आपको मिल जाता है। तो रियल में डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनाई है। तीन यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं ग्रिल के सामने, जिससे गाड़ी का जो लुक है वो बोलेरो जैसा ही लगे, उसका सिग्नेचर स्टाइल लगे। अगर व्हील साइज़ की बात करें तो इसमें R15 इंच के आपको स्टील रिम के साथ व्हील्स मिलते हैं, व्हील्स कवर आपको एसेसरीज़ में मिलेंगे। यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर है और ये ORVM मैनुअली एडजस्टेबल ORVM आपको इसके अंदर मिलता है। और आसपास जो क्लैडिंग है ब्लैक कलर की वो दी है, ब्लैक डोर हैंडल, मैट फिनिश में यहाँ पर जो डोर हैंडल हैं वो बनाए गए हैं और मैट फिनिश में ही आपको जो क्लैडिंग है वो मिलती है। नीचे जो डोर स्टेप है वो आपको आफ्टर एसेसरीज में लगवाने पड़ेंगे, आफ्टर एसेसरीज में इजीली वो प्रोवाइड हो जाती हैं। 50 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिलेगा, डीजल में ये गाड़ी बनाई गई है और सभी मॉडल्स इसके डीजल के ही हैं। और यहाँ पर जो ग्लास है वो भी ओपन हो जाता है, खुल जाता है, थोड़ा सा खुलता है जैसे स्कॉर्पियो के पीछे का ग्लास खुलता है। ऊपर डिज़ाइन है, देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन दी है, लाइन्स दी है नॉर्मल। गाड़ी को रियर व्हील ड्राइव बनाया है, इसी वजह से ये पहाड़ वगैरह पे और हिली एंड माउंटेड एरियाज़ पे इजीली चढ़ी जाती है। बोलेरो न्यू की बैजिंग यहाँ पे आपको मिलेगी और टेल लैंप्स की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, हैलोजन लगाया गया है बल्ब। नीचे आपको फुट स्टेप रिफ्लेक्टर और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं N8 की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलेगी और पीछे स्पेयर व्हील फिट किया गया है जो महिंद्रा का लोगो, यहाँ पर जो कवर है इसका स्पेयर व्हील का उस पर बना हुआ है बोलेरो लिखा हुआ है। और ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और यहाँ पे आपको डिफॉगर ग्लास मिल जाता है। और ये है फुट स्टेप, काफ़ी अच्छा मजबूत फुट स्टेप है, आफ्टर एसेसरीज़ में आप लगवा सकते हैं इसको। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो काफ़ी सही है वैसे ग्राउंड क्लियरेंस। और हम खड़े हैं रॉयल महिंद्रा ग्वालियर के शोरूम पे जो शिपरी लिंक रोड पे है, आप कभी भी विज़िट कीजिएगा, स्पेशल ऑफर्स यहाँ पर चलते रहते हैं। तो लॉकेबल यहाँ पर आपको डोर मिलेगा, फेंडर पे इंडिकेटर। तो भाई एक्सटीरियर के बाद अब आप इसके इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं कि इंटीरियर्स इसमें कैसे दिए हैं N8 में। उससे पहले आपकी देख लीजिए कुछ इस तरह की आती है, एक रिमोट की है, एक सिंपल की मिलती है इसके साथ, और ये है फ्लिप कीज़, दोनों इसमें आपको फ्लिप कीज़ मिल जाएंगी। रिमोट पर तीन बटन्स हैं, लॉक अनलॉक और हजार्ड लाइट के, महिंद्रा का न्यू लोगो यहाँ पर बना हुआ है। और एक ये सिंपल है जिस पर बटन्स नहीं है, सिंपल की आपको एक मिलती है। तो चलिए अब इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं भाई इंटीरियर्स कैसे बनाए हैं N8 के, चलिए चेक करते हैं।
तो भाई ये है बेज कलर में काफ़ी शानदार और काफ़ी लग्जरियस इंटीरियर। पहली वाली बोलेरो से आपको इसके इंटीरियर्स तो डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं और पसंद आएंगे ही, क्योंकि इसमें जो बनाए गए इंटीरियर्स वो थोड़े एडवांस लेवल पे फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ बनाए गए हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है बेज और ब्लैक का वो लग्जरी में लगता ही है, हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है ये जो कलर है। स्कॉर्पियो में भी यही कलर जो थीम है वही इसमें दी है, जो रियल में काफ़ी लग्जरी लगती है। सामने की तरफ से ये फ्रंट डोर की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन इस पर भी दिया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर में आपको लॉक और डोर हैंडल मिल जाएंगे, और सभी जगह प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है, और बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस, स्पीकर ग्रिल, टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं इस N10 मॉडल में। मैनुअली आपको ORVM जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस सीट्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी सीट्स मिल रही हैं, कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है इन सीट्स की, काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट्स हैं। हाइट एडजस्टेबल नहीं है, ओनली रिक्लाइन कर सकते हैं आप सीट को। तो नीचे आपको यहाँ पे 3 पेडल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल में है, मैनुअल में ही सारी गाड़ी बनाई है, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो मोड हैं इको वगैरह के वो दिए हैं इसके साथ। AC की जो वेंट है वो डिज़ाइन देख लीजिए, कुछ इस तरह की मिलेगी, सिल्वर फिनिश भी है यहाँ पर, और वेंट्स कुछ यहाँ पे भी हैं, ऊपर की साइड भी वेंट्स हैं, और यहाँ पर भी जगह दी है, कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं आप, मोबाइल वगैरह भी। तो अब इसमें अंदर बैठ के देखते हैं भाई, चलिए। तो सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिस पे MID बनी है बीच में, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस पर शो होती हैं, और वेलकम टू बोलेरो न्यू ये बोलता भी है, जो इसमें वॉइस असिस्टेंट दिया है वो आपको बोलेरो न्यू बोल के गाड़ी के अंदर वेलकम करता है। और यहाँ पे आपको सिंपल सा म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ को, ऑक्स, USB और इंटीग्रेटेड डबल डिन ऑडियो, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सिंपल चीज़ इसमें आप चला सकते हैं, FM रेडियो वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये है, 4 स्पीकर इसमें आएंगे, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। और यहाँ पे आपको AC के नॉब्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली AC यहाँ पर दिया है। जो बीच में सिल्वर फिनिश दी है वो भी डैशबोर्ड पर अच्छी लग रही है। स्टेयरिंग पे आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे ऑडियो वगैरह के लिए, कुछ इस तरह से, जिससे आप कॉलिंग भी उठा सकते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टेयरिंग का एडजस्टमेंट देखें तो आप इसको टिल्ट डायरेक्शन में आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो AC वेंट की डिज़ाइन है वो रियल में काफ़ी अच्छी लग रही है, सिल्वर फिनिश इसमें रियल में और अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हज़ार्ड लाइट का स्विच दिया है, और मैनुअल कंट्रोल्स कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक AC इसमें नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे कुछ मैनुअल स्विचेस दिए गए हैं, और नीचे ये 12 वोल्ट का पोर्ट, और एक USB और एक ऑक्स पोर्ट एक यहाँ पर मिलता है। थोड़ी सी जगह एक यहाँ पर है, लेदर एप गियर लीवर, और चारों पावर विंडोज़ के स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। 3 कप होल्डर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ दी गई है इसमें। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी है, हैंड ब्रेक, और सीट का कंफर्ट देखें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे, और कुशनिंग वगैरह, और चौड़ाई देखें सीट की काफ़ी अच्छी है वैसे। ग्लव बॉक्स अच्छी, नॉर्मल डिसेंट स्टोरेज के साथ है। एयरबैग्स की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, और डैशबोर्ड की डिज़ाइन का लेआउट आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार बनाया है। यहाँ पे जो जगह है वो भी दी गई है, तो प्रैक्टिकलिटी के लिए काफ़ी सही जगह दिए हैं इसमें। IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है, और यहाँ पे लाइट दी गई है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और ये यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इस साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, नॉर्मल सनवाइज़र है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा एक, कुशनिंग वगैरह, सीट्स का कंफर्ट देख लीजिए, डैशबोर्ड की डिज़ाइन देख लीजिए एक बार और। और चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ, तो सेकंड रो में क्या स्पेस है, कैसा कंफर्ट है, चलिए देखते हैं।
तो भाई ये है सेकेंड रो की सीट्स, देख सकते हैं भाई स्पेशियस तो है केबिन। पुरानी बुलेरो से इसमें ज़्यादा स्पेस है, भले ही ये दिखने में छोटी लगती है लेकिन इसमें स्पेस ज़्यादा है, पुरानी बुलेरो से ज़्यादा स्पेस है इसमें। सेकेंड रो की सीट पे भी और थर्ड रो की सीट पे इसमें स्पेस थोड़ा सा सही लगता है। लेग रूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको जो पीछे की सीट है। तो लेग रूम वगैरह तो काफ़ी सही दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको जो बैक डोर में सेम डिज़ाइन मिलता है जो फ्रंट डोर है वैसा ही बैक डोर बनाया है। और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में पावर विंडो स्विच यहाँ पर दिए गए हैं और सभी हार्ड टच मटेरियल का यूज़ किया है। बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस और स्पीकर ग्रिल आपको पीछे मिल जाएगी। तो भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफ़ी अच्छी चौड़ी सीट बनाई है वैसे रियर में और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। आफ्टर कवर, आफ्टर एक्सेसरीज, ये जो कवर हैं वो लगाए गए हैं, वैसे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है सीट्स की। तो भाई ये है डैशबोर्ड की डिज़ाइन, रियर से आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है और ऊपर इस साइड लाइट नहीं दी है यार एक भी, ये तो चीज़ करनी चाहिए थी। तो चौड़ाई देखें सीट की, तो कुछ इस तरह की चौड़ी है सीट, ग्रैब हैंडल हैं दोनों साइड में, ये हो गए भाई ग्रैब हैंडल्स। और इसके अंदर आर्मरेस्ट नहीं, आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता, एनिट मॉडल में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जो कवर है वो इसमें ऐसा कटआउट दिए रहता है क्योंकि सबके एक जैसे कवर आते हैं। तो ये हो गए हेडरेस्ट पीछे के लिए और अच्छी केबिन है स्पेशियस। तो अब हम चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ और थर्ड रो में, वहाँ देखते हैं कैसी क्या स्पेस है, कैसी जो सीट्स हैं वो फोल्ड कैसे करेंगे और फोल्ड करने पे कितनी स्पेस मिलती है। तो यहाँ आपको मिल जाती है 384 लीटर की बूट स्पेस, देख सकते हैं। अगर आप जो सीट्स हैं उनको रिक्लाइन वगैरह फोल्ड कर देंगे तो कुछ और स्पेस आपको मिल जाएगी। दो बंदे पीछे बैठने की स्पेस है और लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो मैं नहीं कह सकता। एक बंदा इसको बैठ सकता है, एक वहाँ पर आप सामान भी रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक फोल्ड भी कर सकते हैं, वहाँ पर सामान आ जाएगा। कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं सीट्स, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लगेज वगैरह है वो आ जाएगा, अगर आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं, चाहे 5 लोग जा रहे हैं तो आपका यहाँ पर लगेज वगैरह आ जाएगा, और 7 लोग जा रहे हैं 7 जने, तो दो बंदे पीछे बैठने के बाद स्पेस थोड़ी सी कम बचेगी, तो लगेज वगैरह थोड़ा सा कम आ पाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह की गाड़ी दिखती है पीछे से पूरी इंटीरियर्स। तो ये हो गई 7th सीटिंग कैपेसिटी के साथ थर्ड रो की सीट्स, और इस तरह से एक ग्लास भी खुल जाता है तो जो थर्ड रो में बैठे हुए हैं बंदे उनको दिक्कत नहीं होगी, सफोकेशन वगैरह महसूस नहीं होगा। उसके लिए एयर वेंट के लिए जो ग्लास है वो दिया है, स्कॉर्पियो में भी ऐसे ही आता है। और जो डोर है वही सिंपल सा डोर है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं किया गया, जैसे स्पीकर्स वगैरह ग्रिल है वो आप इसमें नहीं दी गई, इसमें सिंपल सा एक हैंडल दिया है, लॉक दिया है और बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया है, अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट टच मटेरियल में ये बनाया है, ये तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और डोर से कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हो गया इंटीरियर्स एक्सटीरियर, अब हम इसके सेफ्टी फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। सेफ्टी फ़ीचर्स के बाद फिर हम देखेंगे इसका इंजन। तो सेफ्टी में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, दो एयरबैग मिलेंगे ड्राइवर और पैसेंजर साइड में, डे नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट ऑडियो वार्निंग, ठीक है, फ्लिप की कॉर्निंग ब्रेक कंट्रोल के साथ में एंड स्पीड अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो ये थी सेफ्टी फ़ीचर्स की बात, अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो चलिए इंजन देखते हैं।
तो इसमें आपको मिल जाता है एम हॉक 100 1493 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 98 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये जो टॉर्क है वही इसको मैक्सिमम पावर देता है और अच्छे से अच्छे हिल पे भी इसको इजीली चढ़ा देते हैं। तो थ्री सिलेंडर इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, टर्बो चार्ज्ड, मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब है, 5 स्पीड में रियर व्हील ड्राइव में ये गाड़ी बनाई गई है। ऊपर इंसुलेशन भी दिया है जिससे गाड़ी के इंजन की जो नॉइज़ है वो बाहर कम से कम आए, इसी के लिए ये यूज़ की गई है। वैसे इंजन काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी भरा हुआ सा ये इंजन लग रहा है। पहले की जो बेलर है उससे तो अच्छा इंजन ही ये बनाया है, ये तो डेफिनेटली पक्की बात है। तो ये थी महिंद्रा बोलेरो न्यू 2024 N8 मॉडल। 1,50,000 रुपये की रेंज में आपको कोई गाड़ी अगर चाहिए हो SUV 7 सीटर, तो मेरे ख्याल से महिंद्रा बोलेरो न्यू जैसी कोई गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली है इतनी प्राइस रेंज में। 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ सबसे बेस्ट गाड़ी रहने वाली है। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का बहुत ही अमेजिंग है, खासकर ब्लैक कलर में। आप इसका वाइट कलर भी ले लीजिए तब भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था हमारा रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन।